सो गाइस अभी हम एक चैलेंज कर रहे हैं, ये देखते हैं कौन सबसे पहले पूरी फिनिश करता है। ठीक है, रुक जा, रेडी स्टेडी एंड गो। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस सुबह मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और अभी एक बैड न्यूज़ सुनने के लिए मिली है, जो कि मॉर्निंग में मिल गई थी लेकिन मुझे लगा कि मॉर्निंग में विक्की मजाक कर रहा है, जो कि वो हमेशा करता रहता है। सो विक्की की अभी कॉल आई थी, वो कह रहा था भाई एक्सीडेंट हो गया। सो उसने अभी वीडियो भेजी है, तो यार मैंने पहले पूछा चोट वोट तो नहीं लगी, तो सुना चोट वगैरह नहीं लगी है, बाइक तो मतलब फ्रंट से पूरी ख़त्म हो गई है, उसका टेल हेडलाइट वगैरह सब टूट फूट गया है। सो अभी चल पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ, मैं ये ब्रेड लेके आया हूँ और ये अंडे, तो एग ऑमलेट बनाता हूँ और फिर जाते हैं विक्की के घर और फिर देखते हैं ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई है। सो बनाते हैं पहले से। सो गाइस देख लो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, बिल्कुल हेल्दी। सो ये लेते हैं और थोड़ा दूध लेते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। हेल्दी खाओ, फिट रहो। सो गाइस नहावा के रेडी हो गया हूँ और अब सोच रहा हूँ कि विक्की के घर चलते हैं और देखते हैं ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई है उसे। सो चलते हैं। गाइस पहुँच चुके हैं, बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी है, विक्की की बाइक यहाँ पे है नहीं, आई थिंक वो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ वहीं पे एक उसके रिश्तेदार रहते हैं, वहीं पे उसने पार्क करी है। सो चलते हैं ऊपर, देखते हैं विक्की को। कैमरा बंद कर देता हूँ, अच्छा ही लगता है। सो गाइस देख सकते हो घुटने में चोट आई है और ये पूरा यहाँ पे इनर चोट है। सो लेटा हुआ है, उसको रेस्ट करने देते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले इसको समझाया था कि बाइक ऐसी चीज़ है जिसको अगर खुद सेफ्टी से नहीं चलाओ तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि अगर बाइक में हल्का सा कोना भी किसी चीज़ में लग गया तो डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा बाइक, 2 मिनट ही लगते गिरने में। सो इसलिए कहता हूँ आप लोगों से भी, राइड सेफ ऑलवेज वेयर हेलमेट। सो इसने भी हेलमेट पहना होगा नहीं तो गिरने के बाद सर पे भी चोट लग सकते थे। सो कि पेन हो रहा है क्या? बोल जान पे बनाई है और तू व्लॉग बना मैं लेटा हूँगा अर्थी पे, तू व्लॉग बनाते रहिए। पागल है, कैसी बात करता है उल्टी सीधी। यहाँ पे भी चोट लगी क्या? पागल मत छू अभी शरीर का अंग अंग दर्द। सो गाइस से हम ले आए हैं विक्की के लिए गुड़म पट्टी और दवाई। गुड़म पट्टी नहीं होता, अच्छा गरम यहाँ शक्कर के बिना शक्कर के ही होता है। सो अभी विक्की पट्टी लगा रहा है, उसके बाद भाई अभी विक्की पट्टी वट्टी लगा रहा है पैर में, उसके बाद देख के आते हैं बाइक की क्या हालत है। सो बाइक वहीं पे अभी देख के आते हैं, अभी चलते हैं। सो भाई देख सकते हो बाइक तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, मड गार्ड भी टूट गया है यहाँ से और इसका शॉक मेनली यार इसका पूरा ये गिर चुका है, टेप से अटैच कर रखा है, इसका शॉकर भी टेढ़ा हो गया है, मतलब आगे से तो यार पूरी ख़त्म हो गई, इस साइड से स्क्रैच आया हल्का सा, बाकी फ्रंट तो पूरा ख़त्म हो गया। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा बाइक की तो बुरी हालत हो चुकी है और इंश्योरेंस क्लेम कर देंगे हम। सो बाइक की तो कोई बात नहीं है, बाकी विक्की सही है तो सब सही है। सो बाइक तो रिपेयर हो जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। उसमें जो चीज़ें टूटी हैं, उसका फ्रंट का हेडलाइट टूट गया और पूरा मत्था ही निकल गया उसका, मैं वीडियो लगाऊंगा उसमें देख लेना आप, और एक साइड वो भी टूट गया साइड इंडिकेटर और उसका शॉकर भी टेढ़ा हो गया। तो बाइक को देख कर लग रहा था कि काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। सो जैसा भी हो एट द एंड विक्की सही है, सब सही है। सो गाइस अब चलते हैं अपने घर और देखते हैं गोल ने खाना वाना बनाया कि नहीं, तो मिलता हूँ आपको घर जाके।
सर में भी चोट लगी थी उसकी। अरे दागी लागी नहीं है। चलो इक्की रोज सपन चलती है। घर पहुंच चुका हूँ और गोभी ने खाना रेडी कर रखा है। सो सब्जी बना रखी है और चावल बना रखे हैं। ये चावल और ये सब्जी, सब्जी गोभी ने बनाई है आलू की और ये चावल है। सो गाइस खाने तो बनाने पड़ेगा नहीं, सो गोभी ने खा भी लिया है, अब मैं खाता हूँ और देखते हैं फिर क्या करते हैं। गाइस बर्तन वगैरह चेक करो कितना कचरा फैल रखा है किचन में, बर्तन वगैरह कैसे रखे हैं। सो ये बिफोर, उसके बाद आफ्टर दिखाता हूँ। अभी काम वाम करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको कैसा सीन है। सो चेक इट आउट गाइस, क्या बोलती है पब्लिक। गैस वैस भी देख सकते हो, पूरा साफ कर दिया नीचे, पूरा पर्स वगैरह भी साफ कर दिया, बर्तन सारे गायब हो चुके हैं, गायब होकर साफ करके रख दिए। सो देख रहे हो कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम। और तब तक गोल आराम से आराम करता हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गाइस कोई नहीं, गोल ने खाना बनाया था, हमने बाकी का काम कर दिया। सो टाइम तो अभी हो रहा है 8 o'clock और अभी सारा काम फिनिश हो चुका है, सभी देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:40 और अभी मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, जैकेट वैकेट डाल लिया है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो अभी ब्लॉग का मटेरियल पूरा नहीं हुआ है तो जा रहा हूँ दिनेश के घर और वहीं पे जाके मिलता हूँ। पहले सबित को उठाता हूँ और फिर चलते हैं दिनेश के घर, क्योंकि अब ब्लॉग भी तो पूरा करना है ना, फिर डालूंगा कैसे, अगर कम वीडियो छोटी हो जाएगी तो वॉच आवर कैसे बढ़ेगा। सो इसलिए करना पड़ता है यार। देख लो आ गया है सबित, हमारी बाइक भी रेडी है। सो लेट्स गो। अगर चलना मोटे So guys, let's go। पहुंच चुके हैं दिनेश के घर और दिनेश भी मिल चुका है हमें, और हमारे एक और लंगोटे यार आ रहा है आदित्य, और पीछे मेरे कुछ फैंस गए अभी अरे करते हुए। तो गाइस जहां भी जाओ फैंस आ जाते हैं, मीटअप कभी भी हो सकता है, सो सिक्योरिटी भी नहीं रहती। सही बात है। अच्छा हमको सिखा रहा है। अच्छा तो इसलिए मीटअप ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ अभी दिल्ली NCR में। हाँ सो आदित्य भी आ रहा है, फिर देखते हैं कहीं बाहर जाने का प्लान बनता है। कहाँ जा रहे भाई, कहीं भाई जा रहे हैं पार्क में, चलेंगे पागल तो नहीं हो जाए लेकिन चलना है भाई, चलना है भाई। क्या घर वाले, इसके घर वाले ही बोलते हैं। जैसे ही जाएगा बोलने लगेंगे। आदित्य तो आने से मना कर रहा है और दिनेश कह रहा है उत्तराखंड के माँ बाप का तो पता नहीं है। क्या सीन होता है भाई बताओ कुछ हमें, हमारे ऑडियंस भाई थोड़े अलग होते हैं और थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उत्तराखंड की भाषा में बता। मना करते हैं रात को बाहर निकलने से। क्यों मतलब उन्हें लगता है कि वहाँ पे भी शेर घूमते हैं। सो गाइस इनके माइंड सेट ऐसा होता है मम्मी पापा का कि वहाँ पे रात में शेर घूमते हैं तो यहाँ पे भी शेर घूमने खा जाएंगे। सो ऐसा कुछ नहीं, अगर मेरी ऑडियंस में है कोई माँ बाप देख रहा है तो यार प्लीज़ इन्हें बाहर निकलने दिया। प्लीज बोल दे यार। यार सही बात है भाई, भाई तेरे माँ बाप चले गए हैं गाँव। माँ बाप के चरणों में तो स्वर्ग होता है, आजाद क्योंकि मेरे माँ बाप भी ये वीडियो देख रहे होंगे। सो गाइस अभी हम एक चैलेंज कर रहे हैं, ये देखते हैं कौन सबसे पहले पूरी फिनिश करता है। ठीक है रेडी स्टेडी एंड गो। मेरी खत्म हो गई, क्या सोचा हार जाऊंगा, मौत का बाजी करूंगा, पलट के वापस वार करूंगा। ये क्या बात करता है यार, आंखें देख सकते हो कि यार लाल हो गई। सो गाइस काफी टफ था ये कॉम्पिटिशन जीतना। गाइस बहुत ज्यादा ठंडी थी, मजा नहीं आया, मजा आ गया। सो गाइस अब चलते हैं वापस घर और फिर घर पे जाके देखते हैं क्या सीन है, बोलो क्या कर रहे हैं।
गाइस देख लो इसे। ठंड काफी ज्यादा हो गई है, काफी ज्यादा ठंड है, तो आप लोग भी जैकेट वैकेट पहना करो, क्योंकि हीरो गिरी फूफू में नहीं होती है पहनने में। गोली गेट खोलता है, ठंड काफी ज्यादा हो रही है गाइस। तो पासवर्ड है खोलना। सो गाइस घर पहुंच चुका हूं और अब इस वीडियो को करता हूं एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको बताइए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो आपके दोस्त के चैनल है। और मिलता हूं कल आपसे एक बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी गाइस, बाय, लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाय। यो भाई जी ऐसी हरकत खुद करता है, फिर बोलता है ये क्यों डाल दिया, ये क्यों डाल दिया। सो बाय गाइस।